हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल LFP। और आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि इस टाइम कई सारे भाइयों का कमेंट होता है कि सर्दी में कौन सा दाना जो देना चाहिए, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, दाने के ऊपर। तो अपनी वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं बाजरा, जो कबूतरों का बहुत फेवरेट है। और ये सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो ये फूड दिया जाता है कबूतरों को। तो ये जो है नया बाजरा है। जो नया बाजरा है उसका कलर देखिए थोड़ा अलग है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो नई फसल हो, नया बाजरा, वो दीजिए कबूतरों को, कि गर्म रहता है ये और कबूतरों को भी सर्दियों से बचाता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि सर्दी हो चाहे गर्मी, कबूतरों को बाजरा खिलाया जाता है और कबूतर का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो ये सर्दियों में भी काम करता है बहुत ज़्यादा। ये गर्म होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बाजरे की रोटी खाई जाती है सर्दियों में। तो ये बहुत अच्छा दाना है कबूतरों के लिए सर्दियों में, महीन दाना। और दूसरे दाने की बात, इस दाने के बारे में लोग कुछ कम जानते हैं, कुछ परसेंट बताना जा रहा हूँ। ये जवार है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए। तो ये भी गर्म होता है कबूतरों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दाना ये सर्दियों में हो। और ये जी ज़्यादातर ब्रीडिंग वाले कबूतरों को दिया जाता है, जो बच्चे पाल रहे हैं मोटा दाना। तो ये मोटे दाने में भी यूज़ किया जाता है और गर्मियों में भी दिया जाता है ये कबूतर को मिक्स करके। तो ये एक दूसरा दाना ये है, जो ये भी अच्छा दाना होता है, बहुत अच्छा कबूतरों के लिए, और बहुत अच्छा यूज़फुल होता है। कबूतर ये जो दाने हैं खा के अगर उड़ाएँ सर्दियों में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आप सर्दियों में ये दाना दीजिए, जो कबूतर हमारे अभी टाइमिंग नहीं मार रहे हैं या उड़ान नहीं काट रहे हैं, तो ये कबूतर, ये दाना उनके लिए है। और आप चाहें तो ब्रीडिंग वाले को भी दे सकते हैं, उसके साथ में ऐड करके अलग कुछ दाने। और एक और दाने के बारे में बात करते हैं, बहुत जो ख़ास दाना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़ास दाना है, सरसों जिसे कहते हैं, काली सरसों। तो ये देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ। उस ऊपर का जो शेल होता है बस, वो ब्लैक होता है, बाकी अंदर का जो मटेरियल होता है वो येलो होता है। तो जब इस पे से वो काली उतार देते हैं परत, तो पीली सरसों बन जाता है। तो ये काली सरसों है, और सर्दियों के टाइम इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है सरसों की, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो दाना है बहुत ज़्यादा गर्म दाना है कबूतरों के लिए, कि कैसे भी सर्दी हो, कबूतर अगर ये खा रहा है तो आराम से आपका कबूतर सेफ़ है और सर्दी बहुत प्यार से काट देगा। और जो तीन चार अभी मैंने आपको दो दाने दिखाए, अगर वो मिक्स करके दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है कबूतरों को। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना दाना बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बना लें। और अगर आप मोटा दाना ऐड करना चाहते हैं तो मोटा दाना भी ऐड कर लीजिए। मगर जो ये तीन दाने हैं, ये कबूतरों को सर्दी आराम से पार करा देंगे, और जो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है सर्दियों के टाइम इस दाने से। मैं तो यही तीन दाना खिलाने वाला हूँ, अभी तो कोई ब्रीडिंग पे नहीं है, तो अगर ब्रीडिंग पे आएंगे तो अपडेट करूँगा दाना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो जैसे कि ये दाना देख रहे, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा दाना है ये, सरसों और बाजरा और जवार। तो ये तीन ऐड करके आप दीजिए कबूतर को मेरे हिसाब से, और आपके कबूतर आराम से सर्दी पार काट देंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अल्लाह हाफिज़। चलते हैं, एक नई वीडियो के साथ आएंगे।